तो इसमें पहला प्रश्न दिया गया है, यदि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी इक्वल टू पाई हो तो सिद्ध कीजिए साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c इक्वल टू 4 टाइम्स साइन a साइन b साइन c। ये होगा हमें सिद्ध करना है। और प्रतिबंध क्या दिया गया है कि कोण ए धन कोण बी और धन कोण सी इसका मान पाई रेडियन के बराबर है। तो इसके हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं। यहाँ पर है साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। प्रथम दोनों पदों में हम सूत्र का उपयोग करेंगे साइन c प्लस साइन d का, तो ये होता है 2 टाइम्स साइन c प्लस d बाय 2 टू कॉस c माइनस d बाय 2। c के स्थान पर है 2a और d के स्थान पर है 2b, तो यहाँ से आएगा 2 टाइम्स साइन 2a प्लस 2b अपॉन 2 और कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2। और इसके साथ में जब आगे हल करेंगे तो ये 2a ना होकर के आगे हमें a या b इस फॉर्म पर मिलेगा। एक और सूत्र का उपयोग करेंगे साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 टाइम्स साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ पर जो कोण होता है उसका आधा हाफ यहाँ पर होता है, तो यहाँ पर ये 2c है तो इसे हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन c इंटू कॉस c इस सूत्र का उपयोग करके। अब आगे जब सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन a प्लस बी और ये आपको मिलेगा कॉस a माइनस बी प्लस 2 टाइम्स साइन c कॉस c। अब प्रतिबंध ये दिया गया है कि कोण a b और c इसका योग पाई रेडियन के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं a प्लस बी बराबर पाई माइनस c। इसका उपयोग हम करेंगे तो यहाँ पर इसका उपयोग कर रहे हैं तो ये मिल जाएगा पाई माइनस c और फिर ये कॉस a माइनस b प्लस 2 टाइम्स साइन c। अब यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो हम लिख सकते हैं c इक्वल टू पाई माइनस a प्लस बी, और यदि दोनों पक्षों में cos अप्लाई कर दिया जाए तो मिलेगा cos c इक्वल टू cos पाई माइनस a प्लस बी। cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो मिल जाएगा माइनस cos a प्लस बी। तो यहाँ पर ये जो cos c है इसको हम रिप्लेस कर रहे हैं माइनस cos a प्लस बी से, तो ये मिल जाएगा माइनस cos ऑफ a प्लस बी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन c और फिर cos a माइनस बी। ये माइनस साइन यहाँ पर आ जाएगा, प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होगा माइनस मिलेगा, 2 टाइम्स साइन c और फिर cos a प्लस बी। 2 टाइम्स साइन c, 2 टाइम्स साइन c दोनों पक्षों पर है, 2 साइन c, 2 साइन c दोनों पदों पर है, कॉमन ले सकते हैं 2 साइन c। अब आगे है cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी। तो पूर्व में आपने पढ़ रखा है कि cos ऑफ a माइनस बी माइनस cos ऑफ a प्लस बी ये होता है 2 टाइम्स cos a cos b, उसका उपयोग करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा 2 टाइम्स sin c इंटू 2 टाइम्स cos a cos b, ये इक्वल टू होता है 2 टाइम्स sin a sin b के, तो इसका उपयोग हम यहाँ पर करेंगे 2 sin c और इस ब्रैकेट के जगह पे हम लिखेंगे 2 टाइम्स sin a sin b। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स 2 और 2 मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा 4, 4 sin a sin b इंटू sin c। तो इस तरीके से हम पहुंच चुके हैं राइट हैंड साइड पर। तो इससे ये सिद्ध हुआ कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 टाइम्स sin a sin b sin c,
जब कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर पाई रेडियन है। दूसरा प्रश्न है, प्रतिबंध वही है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर पाई रेडियन है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि साइन ऑफ बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी ये इक्वल टू होगा 4 टाइम्स साइन ए साइन बी और साइन सी के बराबर होगा। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे हल करने या सिद्ध करने के पहले हम प्रतिबंध देख लेते हैं। कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी ये पाई रेडियन के बराबर है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए, या फिर ए और सी का योग पाई माइनस बी के बराबर होगा, ये भी लिख सकते हैं। और ये भी लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। तो ये प्रतिबंध हमें दिया गया था, उससे तीन और अलग अलग कंडीशंस आ रही है, इसका उपयोग हम इस प्रश्न को सिद्ध करने के लिए करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं, साइन बी प्लस सी माइनस ए प्लस साइन सी प्लस ए माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी माइनस सी। अब ये बी प्लस सी को हम पाई माइनस ए लिख सकते हैं। तो ये साइन पाई माइनस ए, इसका मान है बी प्लस सी का, और फिर ये माइनस ए। इसी तरीके से सी प्लस ए, ये सी प्लस ए को पाई माइनस बी लिख सकते हैं। तो ये पाई माइनस बी और ये वाला माइनस बी प्लस साइन ए प्लस बी, ये ए प्लस बी को तो पाई माइनस सी लिख सकते हैं, पाई माइनस सी माइनस सी। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन पाई माइनस टू ए प्लस साइन पाई माइनस टू बी प्लस साइन पाई माइनस टू सी। तो साइन पाई माइनस थीटा या 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c। चूँकि साइन 180 माइनस थीटा ये साइन थीटा होता है, तो साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c पहले वाले प्रश्न में हमने देखा था, और ये 4 टाइम साइन a साइन b साइन c आया था। और ये कैसे आया था, पहले दो पदों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो ये हमें मिलेगा 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2, तो 2a प्लस 2b अपॉन 2, और फिर कॉस 2a माइनस 2b अपॉन 2, और साइन 2c को हम लिखेंगे 2 टाइम्स साइन सी और कॉस सी। आगे सरल करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स साइन a प्लस बी और कॉस a माइनस बी प्लस 2 टाइम्स साइन सी और कॉस सी। a प्लस बी को हम लिख सकते हैं पाई माइनस सी। चलिए a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, दोनों पक्षों में साइन अप्लाई कीजिए तो साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन पाई माइनस सी मिलेगा, और साइन 180 माइनस थीटा या साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा, तो यहाँ से ये साइन सी मिल जाएगा। तो इस तरीके से साइन ऑफ ए प्लस बी को हम लिख सकते हैं साइन सी। इस पद को मैं लिख रहा हूँ 2 टाइम्स साइन सी और फिर कॉस ए माइनस बी प्लस, अब देखिए यहाँ पर साइन सी है और ये यहाँ पर भी साइन सी है, तो ये 2 टाइम्स साइन सी, इसे हम कॉमन निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर ये कॉस सी है, यहाँ पर कॉस ए माइनस बी है, तो ये सी को हम ए और बी के पदों में लिख सकते हैं। और वो कैसे लिख सकते हैं, c इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी लिख सकते हैं, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है। यहाँ पर cos c है, तो जब दोनों पक्षों में आप cos अप्लाई करेंगे तो मिलेगा cos c इक्वल टू cos पाई माइनस ए प्लस बी cos 180 माइनस थीटा माइनस cos थीटा, तो ये माइनस a प्लस बी मिलेगा। cos सी के स्थान पर हम लिख सकते हैं माइनस कॉस ए प्लस बी।
तो जब माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी यूज़ करेंगे तो ये साइन जो है ये माइनस में चेंज हो जाएगा और आपको मिलेगा कॉस ए प्लस बी। टू साइन सी दोनों पदों पर है तो टू साइन सी कॉमन ले लीजिए। फिर कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो ये सर्वसमीका से आता है जहाँ पर इसका मान होता है टू टाइम्स साइन ए साइन बी। तो टू साइन सी इंटू टू टाइम्स साइन ए साइन बी सॉल्व करेंगे तो टू और टू मल्टीप्लाई करेंगे मिल जाएगा फोर। फिर साइन ए साइन बी इंटू साइन सी, और यही राइट हैंड साइड है जो हमें सिद्ध करना था। तीसरे प्रश्न पर चलते हैं, यहाँ पर वही प्रतिबंध है और प्रश्न है कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ये इक्वल टू हमें सिद्ध करना है कि ये फोर टाइम्स कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और इंटू कॉस सी बाई टू के बराबर है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। ध्यान दीजिए कि राइट हैंड साइड में जो हमें सिद्ध करना है ये पूरे का पूरा कॉस के पदों में है, तो प्रथम दोनों पदों में हम साइन सी प्लस साइन डी के फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं। चूंकि आपको पता है कि साइन सी प्लस साइन डी ये होता है टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और दूसरा फार्मूला साइन टू थीटा इक्वल टू टू साइन थीटा कॉस थीटा। इन दोनों फार्मूले का उपयोग करेंगे तो प्रथम दोनों पदों में साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूले का उपयोग करेंगे तो मिल जाएगा टू टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई टू इंटू कॉस ए माइनस बी बाई टू, और साइन सी को लिख रख सकते हैं और साइन सी को लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन सी बाई टू इंटू कॉस सी बाई टू। अब ये प्रतिबंध है कि कोण ए बी और सी इसका योग पाई रेडियन के बराबर है, तो हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, और यदि दोनों पक्षों को दो से भाग दे दिया जाए तो आगे हमें मिल जाएगा पाई बाई टू माइनस सी बाई टू। तो यहाँ पर ये जो कोण है ए प्लस बी बाई टू इसे मैं लिख सकता हूँ पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, तो टू टाइम्स साइन पाई बाई टू माइनस सी बाई टू, और फिर ये कॉस ए माइनस बी बाई टू प्लस। यहाँ से ये जो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ c इक्वल टू पाई माइनस ए प्लस बी। यदि दोनों पक्षों में हाफ कर दिया जाए, हाफ से गुणा कर दिया जाए तो हमें ये मिलेगा कि c बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू, तो टू टाइम्स साइन c बाई टू यही रहेगा, cos को हम परिवर्तित कर रहे हैं और ये हो जाएगा cos पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि ये जो साइन 90 माइनस थीटा के फॉर्म पर है तो साइन कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर भी कॉस सी बाई टू है तो कॉस सी बाई टू को हम एज इट इज रहने देते हैं, साइन सी बाई टू को हम इसके पदों में बदल लेते हैं, तो ये मिल जाएगा टू टाइम्स साइन पाई बाई टू माइनस ए प्लस बी बाई टू और फिर कॉस सी बाई टू। तो साइन पाई बाई टू माइनस थीटा कॉस थीटा मिलेगा, तो यहाँ से हम लिखेंगे कॉस सी बाई टू और फिर ये कॉस ए माइनस बी बाई टू, फिर प्लस साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो ये मिल जाएगा टू टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई टू और फिर ये कॉस सी बाई टू है, तो टू टाइम्स कॉस सी बाई टू प्रथम पद पर भी है और द्वितीय पद पर भी है, इसे कॉमन ले सकते हैं टू टाइम्स कॉस सी बाई टू और आगे ब्रैकेट में आएगा कॉस ऑफ ए माइनस बी बाई टू प्लस कॉस ऑफ ए प्लस बी बाई टू। अब ये जो पद दिख रहा है ये कॉस सी प्लस कॉस डी के फॉर्म पर है, कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो सी के स्थान पर ये पूरा पद और डी के स्थान पर ये पूरा पद।
तो ये मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी बाई 2, और फिर आगे सॉल्व करते हैं। 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2, इसका मतलब ये कि a माइनस बी बाई 2 प्लस a प्लस बी बाई 2 और ये बाई 2। अब कॉस सी माइनस डी, तो कॉस सी के स्थान पर है a माइनस बी बाई 2 माइनस डी के स्थान पर है a प्लस बी बाई 2 और ये फिर ये अपॉन 2। आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी बाई 2 और फिर ये 2 कॉस, इन दोनों का लघुत्तम समापवर्त 2 है या एलसीएम 2 है, तो माइनस बी और प्लस बी ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, 2a अपॉन 2 तो मिलेगा a, और अल्टीमेटली आपको मिल जाएगा a बाई 2। और इसी तरीके से जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये a माइनस बी माइनस a माइनस बी, तो ये प्लस a और माइनस a कैंसिल हो जाएगा, माइनस 2b बचेगा। तो यहाँ से उसको जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा माइनस ऑफ b बाई 2, और चूंकि आपको पता है कि कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है तो यहाँ से ये साइन हट जाएगा, तो अल्टीमेटली हमें मिल रहा है 2 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मिल जाएगा 4 कॉस सी बाई 2 कॉस ए बाई 2 और कॉस बी बाई 2, या फिर इसे आप लिख सकते हैं 4 टाइम्स कॉस ए बाई 2 कॉस बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2, जो कि राइट हैंड साइड है, और यही हमें सिद्ध करना था। तो चौथे प्रश्न में हमें सिद्ध करना है कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी इक्वल टू माइनस 1 प्लस 4 टाइम्स कॉस ए बाई 2 साइन बी बाई 2 और कॉस सी बाई 2, ये हमें सिद्ध करना है। प्रतिबंध वही है, कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर पाई रेडियन है। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, कॉस ए माइनस कॉस बी प्लस कॉस सी, कॉस ए माइनस कॉस बी, यहां पर हम फॉर्मूले का उपयोग कर सकते हैं कॉस सी माइनस कॉस डी का, ये होता है 2 टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन डी माइनस सी बाई 2, इसका उपयोग करेंगे। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन ए प्लस बी बाई 2 और साइन बी माइनस ए बाई 2 प्लस, यहाँ पर देखिए कि ये माइनस 1 लिखा हुआ है और आपको यह पता है कि कॉस 2 थीटा इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, यहाँ पर जो एंगल होता है उसका हाफ यहाँ पर होता है, फिर हम माइनस 1 लिखते हैं। तो यहाँ पर ये जो कॉस सी है इसे मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1, अब देखिए ये a प्लस बी बाई 2 है, a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी लिख सकते हैं, यदि दोनों पदों में 2 से भाग दे दिया जाए तो ये हमें मिल जाएगा a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, और यदि यहाँ पर हम साइन अप्लाई कर दें तो साइन a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से आपको मिल जाएगा कॉस सी बाई 2। तो इस तरीके से आप साइन ऑफ a प्लस बी बाई 2 को लिख सकते हैं कॉस सी बाई 2, तो 2 टाइम्स कॉस सी बाई 2 और फिर साइन बी माइनस ए बाई 2 और फिर प्लस 2 कॉस स्क्वायर सी बाई 2 माइनस 1, माइनस 1 को पहले लिख रहा हूँ, फिर प्लस 2 कॉस सी बाई 2 इन दोनों पदों पर है, तो पहले पद से 2 कॉस सी बाई 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर आएगा साइन बी माइनस ए अपॉन 2, फिर प्लस कॉस सी अपॉन 2। तो कॉस सी अपॉन 2 को हम लिख सकते हैं साइन ए प्लस बी बाई 2, तो मिल जाएगा माइनस 1 प्लस 2 कॉस सी अपॉन 2 और फिर ये साइन बी माइनस ए अपॉन 2 प्लस साइन
ए प्लस बी अपॉन टू इक्वल टू माइनस वन प्लस टू कॉस सी बाई टू। चूंकि साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो यहां पर ये जो b माइनस ए है इसे a माइनस बी में परिवर्तित करने के लिए माइनस कॉमन निकालना होगा। तो यहां पर ये साइन माइनस में परिवर्तित हो जाएगा और आप लिख सकते हैं माइनस a माइनस बी अपॉन टू। ये b माइनस a को a माइनस बी लिखने के लिए हम माइनस को कॉमन ले लेंगे और फिर ये आएगा साइन a प्लस बी बाई टू। ये माइनस वन प्लस टू कॉस सी बाई टू और फिर आगे है साइन a प्लस बी बाई टू माइनस साइन a माइनस बी बाई टू। तो आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि साइन ऑफ a प्लस बी माइनस साइन ऑफ a माइनस बी ये इक्वल टू होता है टू टाइम्स कॉस ए साइन बी के बराबर। लेकिन यहाँ पर एंगल का हाफ है तो यहाँ पर भी हमें जो एंगल मिलेगा ये हाफ एंगल पर मिलेगा। तो इसे आप लिख सकते हैं माइनस वन प्लस टू टाइम्स कॉस सी बाई टू और फिर इनटू टू टाइम्स कॉस ए बाई टू और साइन बी बाई टू। टू और टू को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा फोर। तो ये माइनस वन प्लस फोर, तो पहले कॉस ए वाला एंगल को लिख रहा हूँ फिर बी वाला एंगल साइन बी बाई टू और फिर अंत में सी वाला एंगल, तो साइन सी बाई टू। और यही राइट हैंड साइड है जो कि हमें सिद्ध करना था। पांचवें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी इक्वल टू एट साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू। ये हमें सिद्ध करना है। तो इसे सिद्ध करने के लिए हमने पहले प्रश्न में देखा था कि आपको इसे सरल करना होगा और चूंकि हम पहले प्रश्न में सरल कर चुके हैं कि साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी ये इक्वल टू होता है फोर टाइम्स साइन ए साइन बी इंटू साइन सी के। तो इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। तो इक्वल टू हो जाएगा साइन ए साइन बी और साइन सी, इसे हम हाफ एंगल के फॉर्म पे लिखें तो ये मिलेगा फोर इंटू टू टाइम्स साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और फिर साइन बी को लिख रहे हैं टू टाइम्स साइन बी बाई टू कॉस बी बाई टू और साइन सी को टू टाइम्स साइन सी बाई टू कॉस सी बाई टू। या फिर इसे वेल अरेंज करके लिखें तो फोर इंटू टू इंटू टू इंटू टू मिल जाएगा 32 और फिर साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू साइन सी बाई टू और फिर कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और फिर कॉस सी बाई टू। इसे हम समीकरण एक नाम देते हैं। और प्रश्न तीन में हमने ये सिद्ध किया था कि साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी ये इक्वल टू होता है फोर टाइम्स कॉस ए बाई टू कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू के। इसे समीकरण दो नाम देते हैं। अब जो हमें सिद्ध करना था उसका लेफ्ट हैंड साइड है साइन टू ए प्लस साइन टू बी प्लस साइन टू सी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। समीकरण एक व दो से हम मान रख देते हैं तो ये आपको मिलेगा 32 साइन ए बाई टू साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू और फिर कॉस
ए बाई टू, कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू, और फिर ये अपॉन फोर टाइम्स कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू। तो अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 32 अपॉन 4 8, कॉस ए बाई टू, कॉस बी बाई टू और कॉस सी बाई टू अंश और हर दोनों में है, ये कैंसिल हो जाएगा और अंत में आएगा इक्वल टू 8 टाइम्स साइन ए बाई टू, साइन बी बाई टू और साइन सी बाई टू, जो कि राइट हैंड साइड है, या फिर दिस इक्वल टू दिस है और जो हमें प्रूफ करना था ये यही है। छठवें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी, ये इक्वल टू होगा टेन ऑफ ए बाई टू और टेन ऑफ बी बाई टू के। तो हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चल रहे हैं, साइन ए प्लस साइन बी माइनस साइन सी अपॉन साइन ए प्लस साइन बी प्लस साइन सी। प्रथम पद का हम हाफ एंगल ले रहे हैं और दूसरे पद का साइन ए को लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन ए बाई टू और कॉस ए बाई टू, और अंत के दोनों पदों में हम साइन सी माइनस साइन डी इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू और फिर साइन सी माइनस डी बाई टू। तो यहां से हम अंश में लिख रहे हैं टू टाइम्स साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू। फिर प्लस अंत के दो पदों में साइन सी माइनस साइन डी का उपयोग करेंगे तो आपको मिल जाएगा टू टाइम्स कॉस बी प्लस सी बाई टू और साइन बी माइनस सी बाई टू और अपॉन प्रथम पद का हम हाफ एंगल ले रहे हैं फिर से टू टाइम्स साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू और अंत के दो पदों पे साइन सी प्लस साइन डी, ये होता है टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू टू कॉस सी माइनस डी बाई टू, इस फॉर्मूले का उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा टू टाइम्स साइन बी प्लस सी बाई टू और कॉस बी माइनस सी बाई टू। अब ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो बी प्लस सी इक्वल टू पाई माइनस ए लिख सकते हैं, और यदि दोनों एंगल में हाफ कर दिया जाए तो आपको मिल जाएगा बी प्लस सी बाई टू इक्वल टू पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं टू टाइम्स साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू प्लस टू टाइम्स कॉस पाई बाई टू माइनस ए बाई टू और फिर अंत में है साइन बी माइनस सी बाई। फिर हर में टू टाइम्स साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू, फिर प्लस टू टाइम्स साइन बी प्लस सी बाई टू को हम लिख सकते हैं पाई बाई टू माइनस ए बाई टू। और फिर कॉस बी माइनस सी बाई टू। आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा टू टाइम्स साइन ए बाई टू इंटू कॉस ए बाई टू प्लस कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा, तो मिल जाएगा टू टाइम्स साइन ए बाई टू और फिर ये साइन बी माइनस सी बाई टू। हर में टू साइन ए बाई टू कॉस ए बाई टू प्लस टू साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं टू टाइम्स कॉस ए बाई टू और फिर कॉस बी माइनस सी बाई टू। अंश में देखिए कि
टू टाइम्स साइन ए बाई टू इस पद पर भी है और इस पद पर भी है, तो इसे हम कॉमन ले सकते हैं। टू टाइम्स साइन ए बाई टू, इसे कॉमन ले लिया जाए तो ब्रैकेट में आएगा कॉस ए बाई टू प्लस साइन बी माइनस सी बाई टू अपॉन हर में कॉस टू कॉस ए बाई टू, इसे हम कॉमन ले सकते हैं टू कॉस ए बाई टू, और फिर यहाँ पर ब्रैकेट में आएगा साइन ए बाई टू प्लस कॉस बी माइनस सी बाई टू इक्वल टू, ये टू और टू कैंसिल हो जाएगा, साइन ए बाई टू और अपॉन कॉस ए बाई टू, यहाँ से आप लिख सकते हैं टेन ए बाई टू। कॉस ए बाई टू को हम लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी बाई टू, और फिर ये प्लस साइन बी माइनस सी बाई टू यहाँ पर है। इसी तरीके से साइन ए बाई टू को हम लिख सकते हैं कॉस बी प्लस सी बाई टू, और फिर ये प्लस कॉस बी माइनस सी बाई टू। यहाँ पर अंश में हम साइन सी प्लस साइन डी का उपयोग करेंगे और हर में साइन सी प्लस साइन डी का उपयोग करेंगे। अंश में हम साइन सी प्लस साइन डी का उपयोग करेंगे और हर में कॉस सी प्लस कॉस डी फार्मूले का उपयोग करेंगे। लेफ्ट साइड पे है साइन जो हमने सॉल्व किया था, ये साइन ए बाई टू और फिर ब्रैकेट में साइन बी प्लस सी बाई टू प्लस साइन बी माइनस सी बाई टू, और फिर ये अपॉन में है। तो यहाँ तक हम पहुँच चुके थे, अब इसे सॉल्व करना है। साइन सी प्लस साइन डी अंश में लगाएंगे, और चूंकि आपको पता है कि साइन सी प्लस साइन डी इक्वल टू होता है टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, और इसी तरीके से कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, इसका उपयोग करेंगे। तो पहला ये टेन ए बाई टू, और फिर ब्रैकेट में है टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू, तो ये बी प्लस सी बाई टू प्लस बी माइनस सी बाई टू, और ये अपॉन टू, ये साइन सी प्लस डी बाई टू हो गया। अब फिर लिखेंगे कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो मिलेगा कॉस बी प्लस सी बाई टू माइनस बी माइनस सी बाई टू, और ये अपॉन टू, फिर ये अपॉन कॉस सी प्लस कॉस डी, तो ये मिलेगा टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू, तो मिल जाएगा बी प्लस सी बाई टू प्लस बी माइनस सी बाई टू, और ये अपॉन टू, और फिर कॉस सी माइनस डी बाई टू, तो बी प्लस सी बाई टू माइनस बी माइनस सी बाई टू, और फिर ये अपॉन टू। जब इसे सरल करेंगे तो मिल जाएगा आगे टेन ए बाई टू, और फिर ये टू और ये टू कैंसिल हो जाएगा। अंश में साइन, देखिए ये सी और ये सी कैंसिल हो जाएगा, टू बी अपॉन टू मिलेगा बी, तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी माइनस सी कैंसिल होगा, मिलेगा टू बी अपॉन टू, सॉल्व करेंगे मिलेगा बी, और फिर ये नीचे में अपॉन टू, तो इस तरीके से आपको मिल रहा है साइन बी बाई टू। और फिर अगला पद है कॉस, ये माइनस, तो ये माइनस बी मिलेगा और ये प्लस सी मिलेगा, तो बी और बी कैंसिल हो जाएगा, तो टू सी अपॉन टू मिलेगा सी, और फिर ये अपॉन टू, तो इस तरीके से मिल जाएगा कॉस सी अपॉन टू। हर में जो राशि है ये है कॉस, यहाँ पर भी ये माइनस सी और प्लस सी कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली ये पद आपको मिलेगा बी बाई टू, और इसे सॉल्व करेंगे तो ये देखिए ये पूरा पद और ये पूरा पद समान है, तो नीचे भी आपको मिल जाएगा कॉस सी बाई टू। कॉस सी बाई टू अंश और हर दोनों में है, कैंसिल हो जाएगा, साइन बी बाई टू बटे कॉस बी बाई टू मिल जाएगा टेन बी बाई टू, तो ये आपको मिल गया टेन ए बाई टू इंटू टेन बी बाई टू विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। आठवें प्रश्न में हमें सिद्ध करना है साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये इक्वल टू होगा टू टाइम्स साइन ए साइन बी
इंटू कॉस सी के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं, साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। अब ये फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है कि जब साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी हो तो ये इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो अंत के दोनों पदों में हम इस सूत्र का उपयोग कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी। तो मिल जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ऑफ बी प्लस सी और साइन ऑफ बी माइनस सी। इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन, इसे आप लिख सकते हैं पाई माइनस ए, और फिर ये है साइन बी माइनस सी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा इक्वल टू साइन स्क्वायर ए प्लस साइन ए इंटू साइन बी माइनस सी। साइन ए और साइन ए दोनों पदों से हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये मिल जाएगा साइन ए और फिर ब्रैकेट में साइन ए प्लस साइन बी माइनस सी। साइन ए को आप लिख सकते हैं साइन बी प्लस सी, वो कैसे, चूंकि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है तो आप लिखेंगे ए इक्वल टू पाई माइनस बी प्लस सी। यदि दोनों पदों में साइन लगा दिया जाए तो आप लिखेंगे साइन ए इक्वल टू साइन पाई माइनस बी प्लस सी। साइन 180 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो ये मिल जाएगा इक्वल टू साइन बी प्लस सी। ये साइन ए इक्वल टू साइन बी प्लस सी आप लिख सकते हैं, यहाँ पर इसे हम रिप्लेस कर रहे हैं, तो ये मिल जाएगा साइन ए और फिर साइन बी प्लस सी फिर प्लस साइन बी माइनस सी। फिर पुनः ये साइन सी प्लस साइन डी के फार्मूले को बिलोंग कर रहा है, उस तरीके से इसे हम हल कर सकते हैं। चूंकि साइन सी प्लस साइन डी ये होता है टू टाइम्स साइन सी प्लस डी बाई टू इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन ए टू टाइम्स साइन सी प्लस डी मतलब बी प्लस सी प्लस बी माइनस सी अपॉन टू, ये पूरा पद सी ये पूरा पद डी, तो सी प्लस डी बाई टू और फिर कॉस सी माइनस डी, ये सी हो गया माइनस डी बाई टू। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा साइन ए और फिर ये टू टाइम्स साइन सी और सी कैंसल टू बी अपॉन टू दैट इज बी, ये बी और ये बी कैंसिल हो जाएगा टू सी अपॉन टू दैट इज सी, तो ये मिल जाएगा कॉस सी। सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा टू टाइम्स साइन ए साइन बी और कॉस सी, और जो कि है राइट हैंड साइड, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न पर चलते हैं जहां पर हमें सिद्ध करना है कॉस ए बाई टू प्लस कॉस बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू, ये इक्वल टू होगा फोर टाइम्स कॉस पाई माइनस ए अपॉन फोर इंटू कॉस पाई माइनस बी अपॉन फोर इक्वल टू कॉस पाई माइनस सी अपॉन फोर, और ये इक्वल टू होगा फोर टाइम्स कॉस बी प्लस सी अपॉन टू टू कॉस सी प्लस ए अपॉन टू और कॉस ए प्लस बी अपॉन टू के बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो प्रथम दोनों पदों में लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चल रहे हैं कॉस ए बाई टू प्लस कॉस बी बाई टू प्लस कॉस सी बाई टू, प्रथम दोनों पदों में हम कॉस सी प्लस कॉस डी इस फार्मूले का उपयोग करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी ये होता है टू टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई टू और कॉस सी माइनस डी बाई टू, और अंत में जो पद है इसमें हम उपयोग करेंगे, अंत में जो पद है ये कॉस थीटा के फॉर्म पर है,
तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 या पाई बाई 2 माइनस थीटा, इस फॉर्म पे लिखा जा सकता है। तो इन दोनों का हम उपयोग करेंगे। तो प्रथम दोनों पदों में कॉस सी प्लस कॉस डी का फार्मूला उपयोग कर रहे हैं, तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2, तो ए बाई 2 प्लस बी बाई 2 अपॉन 2, और फिर कॉस ए बाई 2 माइनस बी बाई 2 अपॉन 2, फिर प्लस कॉस सी बाई 2 को लिख सकते हैं साइन पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2। आगे जब सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस ए प्लस बी बाई 4, एलसीएम 2 है तो ए प्लस बी अपॉन 2, और ये नीचे में 2 है तो ये मिल जाएगा 4। और अगला पद है कॉस ए माइनस बी अपॉन 4, फिर प्लस, अब यहाँ पर हम एक और फार्मूले का उपयोग कर रहे हैं, वो ये कि साइन थीटा को लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। यहाँ पर जो एंगल है इसका हाफ एंगल हम साइन और कॉस के टर्म पर लिखते हैं, तो ये जो एंगल है इसका यदि हाफ कर दिया जाए, हाफ पाई बाई 2 माइनस सी बाई 2, तो सॉल्व करने पर आपको मिलेगा पाई बाई 4 माइनस सी बाई 4। तो इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स साइन पाई बाई 4 माइनस सी बाई 4 और कॉस पाई बाई 4 माइनस सी बाई 4। ए प्लस बी बाई 4 है तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4, और फिर ये कॉस ए माइनस बी अपॉन 4 प्लस 2 टाइम्स साइन पाई माइनस सी अपॉन 4, और ये है कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4। तो 2 टाइम्स कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4, 2 टाइम्स कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4, ये दोनों पदों पर है, इसे हम कॉमन ले सकते हैं। तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4, और फिर ब्रैकेट में आएगा कॉस ए माइनस बी अपॉन 4 प्लस साइन पाई माइनस सी अपॉन 4। चलिए आगे देखते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई है, ए प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी, तो यदि अपॉन 4 कर दिया जाए बोथ साइड में और साइन अप्लाई कर दिया जाए, साइन ए प्लस बी अपॉन 4 इक्वल टू साइन पाई माइनस सी अपॉन 4, तो इस तरीके से इस पद को साइन ऑफ ए प्लस बी बाई 4 से रिप्लेस कर सकते हैं। तो मिल जाएगा 2 टाइम्स कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4, और फिर ये कॉस ए माइनस बी अपॉन 4 प्लस साइन ए प्लस बी अपॉन 4। टू कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4, साइन थीटा को लिखा जा सकता है कॉस पाई बाई 2 माइनस थीटा। तो इस तरीके से ये जो पद है साइन को, इसे हम कॉस के पदों में लिख रहे हैं। मिल जाएगा कॉस ए माइनस बी अपॉन 4 प्लस कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 2। और इस पद को यदि हल किया जाए तो हमें मिलेगा, ये मिलेगा कॉस पाई बाई 2 माइनस ए प्लस बी बाई 4। और इस पद को यदि हल किया जाए तो इसका एलसीएम मिलेगा 4, और 4 पाई 4 ये मिलेगा 2 पाई माइनस ए प्लस बी। तो इसका उपयोग हम आगे सरल करने के लिए करेंगे। कॉस सी प्लस कॉस डी इक्वल टू 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो इसका उपयोग करें तो ये कुछ इस तरीके से होगा, 2 कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4 और कॉस सी प्लस डी, तो ये 2 टाइम्स कॉस सी प्लस डी, तो मिलेगा ए माइनस बी अपॉन 4 प्लस 2 पाई माइनस ए प्लस बी अपॉन 4 और ये अपॉन 2, फिर कॉस सी माइनस डी, तो मिलेगा ए माइनस बी अपॉन 4 माइनस 2 पाई माइनस ए प्लस बी अपॉन
4 और ये होल अपॉन 2। आगे सरल करें तो मिलेगा 2 टाइम्स कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4 और ये मिलेगा 2 टाइम्स कॉस। दोनों का लघुत्तम समापवर्त या हर समान है तो ये 4 ही रहेगा और ये a माइनस बी प्लस 2 पाई, तो ये पहला 2 पाई, फिर माइनस ए माइनस बी, प्लस ए और माइनस बी कैंसिल हो जाएगा और ये माइनस 2 बी यहाँ पर आएगा और ये 4 और ये 2 8। इसी तरीके से आगे सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा कॉस 2 ए माइनस 2 पाई अपॉन 8, ये मिलेगा। सरल करने पर मिलेगा 2 कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4, 2 टाइम्स कॉस, ये 2 और यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा पाई माइनस बी अपॉन 4 और यहाँ से कॉस 180 माइनस थीटा, कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, तो इस तरीके से लिखा जा सकता है पाई माइनस ए अपॉन 4। आगे सॉल्व करेंगे और क्रम सही क्रम में इसको व्यवस्थित करके लिखे तो इसे लिख सकते हैं 2 टाइम्स कॉस पाई माइनस ए अपॉन 4, 2 कॉस पाई माइनस बी अपॉन 4 और कॉस पाई माइनस सी अपॉन 4 और यही राइट हैंड साइड है जो हमें सिद्ध करना था। ये पहला है। इसके बाद दूसरे पद में सॉल्व करके इसे हम लिख सकते हैं ये 2 और ये 2, ये आएगा 4, तो 4 टाइम्स कॉस पाई माइनस ए बाई 4, कॉस पाई माइनस बी बाई 4 और कॉस पाई माइनस सी बाई 4। ये एक स्टेप पूरा हो चुका है जो हमें सिद्ध करना था। इसके बाद दूसरा पद है, इसे हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी, ये पाई के बराबर है तो लिख सकते हैं पाई माइनस ए इक्वल टू बी प्लस सी। तो ये जो पाई माइनस ए है इसे बी प्लस सी से रिप्लेस कर सकते हैं तो मिल जाएगा 4 टाइम्स कॉस बी प्लस सी अपॉन 4। इसी तरीके से अगला पद मिलेगा कॉस ए प्लस सी अपॉन 4 और अगला पद मिलेगा कॉस ए प्लस बी अपॉन 4 और इस तरीके से यह सिद्ध हुआ। अगले प्रश्न में प्रतिबंध वही है और हमें सिद्ध करना है कि टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी ये इक्वल टू होगा टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी के। तो इसके लिए a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई ये दिया गया है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं a प्लस बी इक्वल टू पाई माइनस सी। दोनों पदों पर यदि tan ले लिया जाए तो आपको मिलेगा tan ऑफ a प्लस बी इक्वल टू tan ऑफ पाई माइनस सी। अब tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा मिलता है और tan a प्लस बी, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी और ये इक्वल टू है माइनस टेन सी। अब तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें मिल जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इक्वल टू 1 इंटू टेन सी, तो ये माइनस टेन सी और ये माइनस और माइनस प्लस टेन ए प्लस इंटू टेन बी इंटू टेन सी और इसको यदि लेफ्ट साइड में पक्षांतर कर दिया जाए तो मिलेगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी और यही हमें सिद्ध करना था। अब ये 11वां प्रश्न है, इसमें प्रतिबंध बदल चुका है। यहाँ पर कोण ए धन कोण बी धन कोण सी बराबर पाई बाई 2 रेडियन है तो हमें सिद्ध करने कहा जा रहा है कि कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए कॉट बी इंटू कॉट सी, ये होगा हमें सिद्ध करना है। तो चलिए, दिया गया है कि ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई बाई 2 है तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस सी। दोनों पदों में हम कॉट लगा देते हैं तो मिलेगा कॉट ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू कॉट ऑफ पाई बाई 2 माइनस सी। कॉट 90 माइनस थीटा टेन थीटा होता है तो यहाँ से मिल जाएगा इक्वल टू टेन सी या फिर इसे हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉट सी। कॉट ऑफ ए प्लस बी ये फार्मूला आपको पता है, ये होता है कॉट ए इंटू
कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी इक्वल टू वन अपॉन कॉट सी। तिर्यक गुणा जब करेंगे तो यहाँ से मिल जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी माइनस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए प्लस कॉट बी। इसको पक्षांतर कर देंगे और इसे उल्टे करके लिख रहे हैं राइट को लेफ्ट में, तो हमें मिल जाएगा कॉट ए प्लस कॉट बी प्लस कॉट सी इक्वल टू कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी, और यही हमें सिद्ध करना था। अगले प्रश्न में दिया गया है यदि ए प्लस बी प्लस सी ये 2s के बराबर है तो सिद्ध करने कहा जा रहा है साइन ऑफ s माइनस ए इंटू साइन ऑफ s माइनस बी प्लस साइन ऑफ s और ये साइन s माइनस सी इक्वल टू साइन ए साइन बी इसके बराबर होगा, ये हमें सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम इसके लेफ्ट हैंड साइड को लेकर के चलते हैं और ये दिया गया है साइन s माइनस ए इंटू साइन s माइनस बी प्लस साइन s और साइन s माइनस सी। दो का गुणा करते हैं और दो का भाग करते हैं तो ये मिल जाएगा टू टाइम्स साइन s माइनस ए टू साइन s माइनस बी फिर प्लस टू टाइम्स साइन साइन s और फिर ये साइन s माइनस सी। चूँकि आपको यह पता है कि टू टाइम्स साइन ए साइन बी इक्वल टू होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, तो इसका हम उपयोग कर रहे हैं। तो यहाँ से इसे लिखा जा सकता है वन बाई टू कॉस ऑफ ए माइनस बी, तो ये एस माइनस ए माइनस एस और ये प्लस बी फिर माइनस कॉस ए प्लस बी, तो ये s माइनस ए प्लस एस माइनस बी फिर माइनस, यहाँ तक इस पद को हमने लिख लिया। अब ये अंतिम वाला पद तो अगेन cos a माइनस बी, तो मिल जाएगा cos a माइनस बी फिर माइनस cos a प्लस बी, तो ये s प्लस एस माइनस सी। आगे सॉल्व करेंगे cos ये माइनस एस और प्लस एस कैंसिल हो जाएगा, ये है बी माइनस ए फिर माइनस कॉस एस और एस ये टू टाइम्स है तो टू एस और फिर माइनस ए माइनस बी प्लस कॉस ये एस और ये एस कैंसिल ये सी फिर माइनस कॉस टू टू एस माइनस सी। तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू टू एस है तो टू एस माइनस ए माइनस बी इक्वल टू सी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो टू एस माइनस ए माइनस बी है इसे मैं c से रिप्लेस कर रहा हूँ तो ये मिल जाएगा वन बाई टू कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस सी प्लस कॉस सी माइनस कॉस टू एस माइनस सी, ये प्लस कॉस सी और ये माइनस कॉस सी ये कैंसिल हो जाएगा, अल्टीमेटली यहाँ पर आ रहा है वन बाई टू कॉस बी माइनस ए माइनस कॉस टू एस माइनस सी। अब ये टू एस माइनस सी यहाँ से यदि हम सॉल्व करें तो टू एस माइनस सी इक्वल टू मिल जाएगा ए प्लस बी, तो ये टू एस माइनस सी को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ ए प्लस बी से। और इसे सरल करने पर हमें मिलेगा वन बाई टू इंटू टू टाइम्स साइन बी इंटू साइन ए या फिर साइन ए साइन बी, जो कि हमें सिद्ध करना था। ये एक डायरेक्ट फार्मूला है जहां पर टू टाइम्स साइन ए साइन बी ये होता है कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी।
तो इसके उपयोग से हमने ये सिद्ध किया।